राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से शनिवार को ओबीसी संगठन के स्थापना दिवस के साथ साथ मंडल आयोग दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर बबन राव तायवड़े ने इस अवसर पर मंडल आयोग में कल, आज और कल ओबीसी की स्थिति पर मार्गदर्शन किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, विधायक अभिजीत पंचारी, विधायक विकास ठाकरे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वही ओबीसी संगठनों की महिलाएं, युवा अधिकारी, कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। ओबीसी जर जागृत झाला तर त्यांच्याला कुठेतरी ठेच लागणार होती, तर त्यांचं जे राजकीय गणित होते त्यांनी तो 10 वर्षापर्यंत धूळ खात ठेवला। ज्या दिवशी मंडल आयोग लागू झाला त्या दिवशी या देशातील 22 महाविद्यालयातील चांगल्या चांगल्या नामांकित महाविद्यालयातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले। या देशातले रस्ते रक्तानी लहूलहान झाले। इस वक्त ओबीसी समुदाय को जगाने और एकत्रित करने के उद्देश्य से अतिथियों द्वारा भाषण दिए गए। बता दें कि ओबीसी समुदाय को राजकीय आरक्षण मिले, इस उद्देश्य से कई ओबीसी संगठनों द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं, जिसके चलते मंडल आयोग दिवस के अवसर पर भी विभिन्न संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया।